हो गया। तो आज अपन पढ़ रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स में सबसे पहले पढ़ रहे हैं कैन का प्रयोग। कैन कोई भी काम अपन कर सकते हैं, वर्तमान में जो कर सकते हैं उसके लिए कैन का प्रयोग होता है, जो आज कर सकते हैं। जैसे आज मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ तो क्या होगा, कैन। मैं इस पंखे को खोल सकता हूँ, कैन। मैं इस कुर्सी को उठा सकता हूँ, कैन, है ना। मैं दौड़ सकता हूँ, कैन। और अगर अपन आज नहीं कर सकते, पहले कर सकते, मतलब कल कर सकते पास्ट में, तो आता है कुड। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे कैन का, कर सकते हैं कोई कार्य को। तो उसके अंदर जैसे पहला प्रश्न है आपका, ये तो लिखा है वो किसी कार्य को करने की ताकत, कोई भी ताकत हो, इसके द्वारा वर्तमान समय में प्रेजेंट टेंस में कोई भी पावर हो अपने पास, ताकत हो, एबिलिटी, योग्यता हो, कैपेसिटी, क्षमता हो, नो हाउ टू, किसी चीज़ को ठीक करने की अपने को जानकारी हो, या कैपेबल अपन समर्थ हो कोई चीज़ में, इंटेलिजेंस है अपने अंदर, बुद्धिमत्ता हो कोई चीज़ करने की, स्किल, ये भी बुद्धिमत्ता के लिए प्रयोग होता है, स्ट्रेंथ, ये ताकत के लिए होता है, क्लीवरनेस, चतुरता, तो चतुराई से अपन काम कर सकते हैं उसके लिए। अब पहला क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल है, आई रिक्तिस्थान है, फिर लर्न इंग्लिश, तो आई यानी मैं, लर्न है सीखना होता है इंग्लिश, इसका मतलब मैं इंग्लिश को सीख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर पास्ट टेंस होता कि मैं यस्टरडे, मतलब कल सीख सकता था, तो आता कुड, लेकिन यस्टरडे नहीं है, पास्ट टेंस का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस में होती है, प्रेजेंट में। तो अब इसमें कहा गया कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, प्रेजेंट टेंस में मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, तो सीखने की आपके अंदर क्षमता है, तो क्या आएगा, कैन, आप इंग्लिश सीख सकते हो। दूसरे में एडम, एक गूंगा व्यक्ति होता है, नॉट स्पीक, नहीं बोल सकता है, एक गूंगा व्यक्ति नहीं बोल सकता, क्या आएगा, नॉट तो आया है नहीं, तो सकता है के लिए क्या आएगा, कैन। ही यानी वह, लिफ्ट यानी उठाना, द बॉक्स यानी संदूक को, वह संदूक को उठा सकता है, तो उसके अंदर क्षमता है उठाने की, तो क्या आएगा, कैन। ही रिपेयर एंड ठीक करना, रेडियो, वो रेडियो को ठीक कर सकता है, उसको जानकारी है रेडियो को ठीक करने की, तो क्या आएगा, कैन। तो इस प्रकार से ये कैन का प्रयोग होता है, जहां कोई काम आप वर्तमान में कर सकते हो, प्रेजेंट टेंस में कर सकते हो, तो वहां आएगा कैन का यूज। समझ में आ गया आपको, तो इस प्रकार से कैन का यूज करना, इसको बंद करना।